आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण है। कहीं हौसलों को नए पंख लगे हैं, तो कहीं वैज्ञानिक सोच को उड़ान मिली है। कभी किसानों को सहायता प्राप्त हुई, तो कहीं जन जन को पहचान मिली है। ये है डिजिटल इंडिया का 4 साल का सफर, जो तकनीक की ताकत से भारत को सबल बना रहा है और दूरियों को पाट कर गांव और शहर को नजदीक ला रहा है। डिजिटल इंडिया इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम टू फुलफिल द ग्रेट एस्पिरेशन। डिजिटल इंडिया इज डिजाइन टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स, टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। लगभग 4 साल पहले तक जो वर्ग नई टेक्नोलॉजी से अछूता था, वो भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीक के नजदीक आया है। ऐसा ही एक बड़ा वर्ग देश का अन्नदाता किसान है, जो आज फोन के जरिए खेती की नई जानकारी पा रहा है। और एम किसान की इन्हीं जानकारियों से जहां मुजफ्फरनगर के किसानों की गन्ने की फसल में नई मिठास आई है, वही धान की फसल भी अब लहलहाने लगी है। भारत सरकार का जो एम किसान पोर्टल है, उसके माध्यम से हम लगातार वैज्ञानिकों के टच में रहते हैं और समय समय पर हमें मौसम की जानकारियाँ, आने वाली बीमारियों की जानकारियाँ और उनका निदान हमें मिलता रहता है। और उसके माध्यम से हमने जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके नहीं, अपनी पैदावार बढ़ाई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाई है। 4 साल के डिजिटल प्रयासों से शिक्षा का स्तर भी सुधरा है और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसी उपयोगी एप्स की बदौलत गांव-गांव में ई लर्निंग संभव हो पाई है। उत्तर प्रदेश का भट्टा पारसौल गांव भी इसी नई टेक्नोलॉजी का गवाह बना है। यहां हर किसी के पास वाईफाई एक्सेस है और गांव के बच्चे गांव में ही रहकर देश दुनिया की जानकारी पाने में सक्षम हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐप है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहां पर कई सारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनको पढ़कर हमें बहुत काफी नॉलेज मिलती है। आज 3 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों और गांव में CSC's PGM दिशा, डिजीपे, आधार, वाईफाई चौपाल जैसी 300 से भी अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डिफेंस की पेंशन ले रहा हूं, मुझे बहुत परेशानी पड़ती थी पहले दनकौर जाने में। मैं आया इनके पास में तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी आधार कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल ले जाओ पेंशन। मैंने आधार कार्ड दिया, कुछ निशान से लिए उंगली पैसे, मुझे पैसे दे दिए। और स्त्री स्वाभिमान जैसी सुविधाएं महिला सशक्तिकरण का स्रोत बन रही हैं। उधर अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मरीजों के लंबी लाइनों का अंत होने लगा है और मरीजों को तुरंत इलाज मिलने लगा है। मैं ऑनलाइन करवाया था मोबाइल के थ्रू और रजिस्ट्रेशन मेरा आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं आसानी से यहां से नंबर मिल गया, मैं दिखा दिया हूं। जहां डिजिटल इंडिया ने प्रगति को नई दिशा दी है, वहीं BPO's ने 100 से भी अधिक छोटे शहरों में युवाओं को घर के पास नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए हैं। तकनीक ने उस तबके को भी समानता का दर्जा दिया है, जो कभी बुनियादी सुविधाओं से महरूम था। एक ऐसी महिला है शशि, जो एक सरकारी दफ्तर में बतौर हाउसकीपिंग स्टाफ कार्यरत है। उन्हें सैलरी के लिए पैन कार्ड बनाने की आवश्यकता थी, तो उनका साथ दिया उमंग मोबाइल ऐप ने। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पता चला कि उमंग सर्विस के थ्रू से हो रहा है, तो मैंने उमंग के थ्रू से मैंने बना लिया पैन कार्ड। हफ्ते भर में आ गई मेरे घर के एड्रेस में। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए लंबी कतारों का भी अंत होने लगा है, क्योंकि डिजिटल होने के कारण हर काम तुरंत होने लगा है। यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए कई कई दिनों तक लटकना और सरकारी दफ्तरों में भटकना खत्म हुआ। जहां डिजिटल इंडिया ने जन जन के जीवन को सरल किया है, वही अदालतें भी मोटी मोटी फाइलों के बोझ से मुक्त होने लगी हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ई कोर्ट ऐप। इट्स टाइम सेविंग, यू हैव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द मैटर्स, यू हैव द डेली ऑर्डर शीट्स विद यू, इन द इवनिंग यू कैन चेक अप व्हाटएवर हैज बीन डिक्टेटेड इन द कोर्ट हैज बीन रिकॉर्डेड देयर और नॉट। इस डिजिटल क्रांति ने आज युवा ऊर्जा को पर दिए हैं
और वैज्ञानिक कल्पनाएं अब आकार लेने लगी हैं। ये है गुरुग्राम का स्टार्टअप सेंटर, जहां ये युवा प्रशिक्षण भी पाते हैं और अपने आविष्कारों के लिए जरूरी संसाधन भी। Currently there are 10 million upper limb amputees around the globe, and the sad part is only 5% of them use prosthetics. We are making multifunctional limbs affordable to the people of developing countries. ये नजारा है बढ़ते भारत का, जहां विकास किसी खास वर्ग तक ही सीमित नहीं, बल्कि जन-जन के जीवन का हिस्सा बन रहा है, जिससे हर एक भारतवासी का भाग्य बदल रहा है और भारत प्रगति के पथ पर आगे निकल रहा है।